हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एवीएशन ऑफिशियल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिए, जहां हम आपको एवीएशन रिलेटेड डिटेल्स देते हैं। तो आज का टॉपिक है एयरक्राफ्ट बोल्ट्स। एयरक्राफ्ट बोल्ट्स किस में से बनते हैं? तो एयरक्राफ्ट के अंदर जो भी बोल्ट्स यूज होते हैं वो नॉर्मली कैडमियम और जिंक प्लेटेड कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील या फिर अनप्लेटेड कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील और एनोडाइज एल्यूमिनियम एलॉय के बने होते हैं। ये सब बोल्ट्स के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। हम एयरक्राफ्ट में नॉर्मली AN स्टैंडर्ड, MS स्टैंडर्ड एंड NA स्टैंडर्ड्स वाले बोल्ट यूज़ करते हैं। AN यानी एयरफोर्स नेवी स्टैंडर्ड, MS स्टैंडर्ड यानी मिलिट्री स्टैंडर्ड एंड NA स्टैंडर्ड यानी नेशनल एयरक्राफ्ट स्टैंडर्ड। उसमें से भी हम सबसे ज़्यादा AN और MS स्टैंडर्ड वाले बोल्ट्स यूज़ करते हैं। ये जो बोल्ट्स होते हैं उसकी डिफरेंट हेड स्टाइल्स है और डिफरेंट स्टैंडर्ड के अंदर अलग अलग हेड स्टाइल्स भी आते हैं। AN स्टैंडर्ड के अंदर तीन टाइप के हेड स्टाइल आते हैं, हैक्स हेड, क्लेविस एंड आई बोल्ट। उसके बाद NA स्टैंडर्ड के अंदर तीन हेड स्टाइल आती है। एक आती है हैक्स हेड, दूसरी आती है इंटरनल ब्रांचिंग और तीसरी आती है काउंटर शंक हेड स्टाइल। उसके बाद MS स्टैंडर्ड के अंदर हैक्स हेड, इंटरनल ब्रांचिंग स्टाइल, इसमें सिर्फ दो स्टाइल के बोल्ट्स आते हैं। हैक्स हेड वो तीनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक स्पेसिफिक बोल्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल पर्पस बोल्ट के बारे में। तो AN3 से लेके AN20 तक जो नंबर्स हैं वो है जनरल पर्पस बोल्ट। जनरल पर्पस बोल्ट हम दोनों लोड यानी टेंशन और शियर दोनों लोड के अंदर हम यूज़ करते हैं। उसके डिफरेंस डायमीटर्स के आते हैं, वो डिफरेंट डायमीटर के अंदर आते हैं। जनरली जो एलॉय स्टील का बना होता है बोल्ट, उसके अंदर 3x16 इंच डाया से अगर कम है तो हम वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में यूज़ नहीं करते। वैसे ही अगर वो एल्यूमिनियम एलॉय का बना है तो हम क्वार्टर इंच से अगर उसका डायमीटर कम है तो हम वो नॉर्मली एयरक्राफ्ट के अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ फिर कम हो जाएगी, तो इसीलिए हम वो यूज़ नहीं करते। जनरल पर्पस बोल्ट वो टेंशन और शियर लोड ये दोनों के लिए यूज़फुल होता है। मतलब जहाँ पे टेंशन लोड है वहाँ पे भी हम जनरल पर्पस बोल्ट यूज़ कर सकते हैं और जहाँ पे शियर लोड है वहाँ पे भी हम जनरल पर्पस बोल्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ड्रिलेड इंजन बोल्ट। ड्रिलेड इंजन बोल्ट का स्पेसिफिकेशन नंबर AN73 से लेके AN81 तक का है। ड्रिलेड इंजन बोल्ट है वो जनरल पर्पस बोल्ट के जैसा ही है और ये दोनों एक दूसरे के इंटरचेंजेबल है। सिर्फ दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो एक ही है कि ड्रिलेड इंजन बोल्ट का जो हेड है वो ज़्यादा थिक है कंपेयर टू द जनरल पर्पस बोल्ट। ओके, उसके बाद आता है क्लेविस बोल्ट। क्लेविस बोल्ट का स्पेसिफिकेशन नंबर AN21 से लेके AN36 तक का है और क्लेविस बोल्ट वो एक स्पेशल पर्पस बोल्ट है जहाँ पे हमें शियर लोड एप्लीकेशन चाहिए, यानी कि जहाँ पे शियर लोड ज़्यादा है वहाँ पे हम नॉर्मली क्लेविस बोल्ट यूज़ करते हैं। ये बोल्ट टेंशन लोड के लिए यूज़ नहीं होता। उसके बाद आता है क्लोज टॉलरेंस बोल्ट। ये क्लोज टॉलरेंस बोल्ट ये दो स्टैंडर्ड में आता है, एक तो है AN स्टैंडर्ड और दूसरा उसका है NA स्टैंडर्ड। AN स्टैंडर्ड के अंदर AN173 से लेके 186 तक का जो भी स्पेसिफिकेशन नंबर है उसके अंदर क्लोज टॉलरेंस बोल्ट आता है और NAS के अंदर NAS80 से लेके NS86 तक का स्पेसिफिकेशन नंबर है वो क्लोज टॉलरेंस बोल्ट के लिए है। ये दोनों की हेड स्टाइल अलग अलग है। जो AN के अंदर जो बोल्ट्स आता है वो हैक्स हेड होता है
और जो NAS के अंदर आता है वो काउंटर सिंक हेड स्टाइल का होता है और उसका जो एंगल होता है वो 100 डिग्री है। और जो क्लोज टॉलरेंस बोल्ट है वो जनरल पर्पस बोल्ट जैसा ही है लेकिन उसको मोर एक्यूरेटली मशीन किया है, ठीक है। नाम से ही पता चलता है क्लोज टॉलरेंस, यानी उसके अंदर जो भी टॉलरेंस होगा वो बहुत कम है। बाकी उसका जो भी डेजिग्नेशन कोड है या फिर कुछ भी है, सेम पर्पस है जैसे कि जनरल पर्पस बोल्ट का है। उसके बाद आता है इंटरनल ब्रांचिंग बोल्ट। इंटरनल ब्रांचिंग बोल्ट है वो MS स्टैंडर्ड के अंदर नॉर्मली आता है। MS 2004 से लेके 20024 तक का जो स्पेसिफिकेशन नंबर है उसके अंदर क्लोज इंटरनल ब्रांचिंग बोल्ट्स आता है। इंटरनल ब्रांचिंग बोल्ट का यूज़ हम टेंशन और शियर ये दोनों एप्लीकेशन के लिए हम करते हैं। और इंटरनल ब्रांचिंग बोल्ट है वो नॉर्मली हाई स्ट्रेंथ स्टील से बना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आई बोल्ट्स के बारे में। आई बोल्ट है वो एक स्पेशल पर्पस बोल्ट है जहाँ पे हमें सिर्फ एक्सटर्नल टेंशन लोड की हमें ज़रूरत है वहाँ पे हम जनरली आई बोल्ट यूज़ करते हैं। और ये एल्यूमिनियम एलॉय स्टील, एल्यूमिनियम एलॉय या फिर कैडमियम प्लेटेड और जिंक प्लेटेड स्टील्स का बना रहता है। इसके बाद जो बोल्ट है वो टोटल 4 डायामीटर में आते हैं और उसे 4 सीरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट सीरीज है 200 सीरीज। 200 सीरीज के अंदर जिसका भी डायामीटर 3/16 इंच है उसको हमने 200 सीरीज के अंदर रखा है। उसके बाद आता है 260 सीरीज जिसका डायामीटर 1/4 इंच है। 1/4 इंच उस डायामीटर वाले जो बोल्ट को 260 सीरीज के अंदर रखा है। उसके बाद आती है नेक्स्ट सीरीज 312 सीरीज जिसका डायामीटर 5/16 इंच, अप्रॉक्स 5/16 इंच जितना है वो जो बोल्ट को हम 312 सीरीज के अंदर डालते हैं। उसके बाद लास्ट सीरीज आती है 375 सीरीज जिसका डायामीटर 3/8 इंच के लगभग आसपास हो उसको हम 375 सीरीज के अंदर डालते हैं। ऐसे ये 4 सीरीज के अंदर डिवाइडेड है। उसके बाद आता है लास्ट वन उसका है जो बोल्ट है उसकी हेड स्टाइल अलग अलग है तो वो जनरली 3 हेड स्टाइल के अंदर यूज होता है। फर्स्ट आती है F यानी फ्लश हेड स्टाइल, सेकंड वन इज P यानी कि हैक्स हेड और लास्ट वन इज FA यानी कि फ्लश मिलेबल हेड स्टाइल। उसके बाद हम बात करते हैं लॉक बोल्ट के बारे में। लॉक बोल्ट है वो एक स्पेशल पर्पस बोल्ट है। वो बोल्ट और रिवेट का कॉम्बिनेशन है जहाँ पे हमें परमानेंटली अगर 2 सीट या फिर पार्ट्स को जॉइंट करना है तो हम लॉक बोल्ट यूज़ करते हैं। नॉर्मली एयरक्राफ्ट के अंदर हम लॉक बोल्ट को लैंडिंग गियर, फेयरिंग्स या फिर लॉन्जीरॉन्स ये सब को जॉइंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद लॉक बोल्ट जो है उसको हमें इंस्टॉल करने के लिए रिवेट गन जैसी एक पुल टाइप गन आती है उससे हम लॉक बोल्ट को इंस्टॉल करते हैं। लॉक बोल्ट के अंदर भी दूसरे डिफरेंट पार्ट्स है। लॉक बोल्ट के 3 टाइप है। पहला है पुल टाइप, सेकेंड वन इज स्टम टाइप एंड थर्ड वन इज ब्लाइंड टाइप। पुल टाइप लॉक बोल्ट है वो नॉर्मली एयरक्राफ्ट के प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हम यूज़ करते हैं और उसको इंस्टॉल करने के लिए स्पेशल रिवेट गन जैसी एक गन आती है उसका हम यूज़ करते हैं। उस बाद दूसरी टाइप है वो है स्टम्प टाइप जहाँ पे हम पुल टाइप लॉक बोल्ट को यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे हम नॉर्मली स्टम्प टाइप लॉक बोल्ट यूज़ करते हैं। स्टम्प टाइप है वो थोड़ा सा छोटा होता है इसीलिए स्पेस का अगर ज़्यादा क्लियरेंस नहीं होता है तो वहाँ पे हम नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं। और
लास्ट आता है ब्लाइंड टाइप लॉक बोल्ट। ब्लाइंड टाइप लॉक बोल्ट है, वन साइड वर्क करना है तो हम ब्लाइंड टाइप लॉक बोल्ट का यूज करते हैं। और इसको इंस्टॉल करने के लिए भी एक स्पेशल टाइप की गन आती है जो कि हम यूज करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।